जैसे पता ही होगी कॉल ऑफ ड्यूटी की जो न्यू एनिवर्सरी आई है उसके अंदर हमारे पास एक न्यू मैप आया है, साथ में एक और न्यू मैप आया, ये है एक क्लब हमारे पास आया है जिसके अंदर आप बहुत सारे मिनी गेम्स खेल सकते हो, पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हो और बहुत सारे रिवॉर्ड्स पा सकते हो, एक तरह से मिनी प्ले टाइप। तो यहाँ पर जैसे एक कबूम करके एक गेम है मिनी गेम, इसके अंदर तुम्हें क्या करना होता है कि ये रॉकेट्स टाइप ऊपर से छोड़ते हैं, तुम्हें टेडी से सबको पकड़ना होता है। एंड इसके अंदर एक्चुअली ओवरऑल यू नो लीडर बोर्ड भी होता है, तो तुम जितने ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी यहाँ पे ओवरऑल तुम्हें राइट साइड में रैंकिंग दिख रही होगी। उसके बाद एक डार्ट्स वाला गेम है भाई जिसके अंदर तुम्हें बस नॉन स्टॉप डार्ट पर डार्ट फेंकने हैं। अब भाई इधर प्रिसीजन लगता है, प्रैक्टिस लगती है कि तुम्हारा एम कैसा है। इसके अंदर तुमको 60 सेकंड्स मिलते हैं और 60 सेकंड में तुम जितने डार्ट्स चाहे फेंक सकते हो, लेकिन भाई एम की बात आ जाती है इधर सारी की सारी। तो भाई पर्सनली मेरा ये फेवरेट वाला था क्योंकि इसके अंदर भाई तुमको एक्चुअल खेलने मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। उसके बाद तुम यहाँ पर एमपी पॉइंट्स के लिए भी एनिवर्सरी पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो, एंड इसके अंदर भी तुमको लीडर बोर्ड मिल जाता है और तुमको ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट्स कलेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। एंड फिर एक आता है नाइफ वाला गेम, ये वाला ही बहुत मज़ेदार था कि तुमको अपनी उंगलियों के ऊपर नाइफ नहीं मारना है, ये पता नहीं ऐसा क्या होता है भाई। लेकिन एक बंदा पे मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रहा था ब्लू कलर की पिचकारी मार के मेरे पे, तो उसके वजह से मैं बहुत जल्दी मर गया इसमें। लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे गन वाला बारटेंडर है जो तुमको यहाँ पे गन वन की चीज़ें बता सकता है, एंड तुम यहाँ पे स्टिक लेकर के डांस इंडिया डांस वाला मतलब डांस भी कर सकते हो अच्छे से एंड इंजॉय करके फुल अल्कट्राज मैप में कूद सकते हो बंदों को मारने के। उसी के साथ ये अल्कट्राज के अंदर जो प्रिजन है और बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की लोकेशन भी इसके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। ऐसा लग रहा था सारे पैरो प्लेयर के अंदर मैं दो केड़े का नुबड़ा फंस गया हूँ, तो भाई मैं आया कहता यू नो अपनी मैक्स बैटल पास वाली आउटफिट में एंड देखा कोई गन है क्या, तो मेरे को ऊपर कोई गन मिली नहीं, तो मैं तेजी से नीचे कूद गया, भैया ऊपर तो गन नहीं है, अगर थोड़ी देर और ऊपर तो भैया रिंगा रिंगा रोजेस हो जाएगा मार मार के मेरा, तो मैं नीचे कूद गया। वो भाई बंदा आ गया सामने, शिट मेरे को गन मिल गई वैसे तो मैंने इस बंदे को तेजी से मार दिया यहाँ पे, हालांकि मेरे को फीलिंग आ रही थी मैं मर जाऊंगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी एकदम उसके मुंह पे जाकर के गन मिली कैप गैंगस्टर बताऊँ तो, अच्छी बात है चलो। अब भाई हमारे नंबर थ्री और नंबर टू प्लेयर को तो भाई उतरते इन लोगों ने निहत्ता ही मार दिया शायद से, बेचारों गन ही नहीं मिली होगी। यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी ना आर्मर प्लेट मिल गई एंड साथ में हेल्थ किट भी मिल गई, एंड इतने में ना एकदम से मेरे मुंह के सामने दो बंदे आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं बट एकदम पैदा हो जाते। मैं बाय द वे तुमको रियली रिकमेंड करूंगा कि तुम जाकर के द ग्लब जरूर चेकआउट करना, वहां पर जो मिनी गेम से बड़े मजेदार हैं यार, सही में मजेदार एक नंबर। और लीडर बोर्ड वैसे यार हार्ड ही है, सही बात है, बहुत सारे प्रो प्लेयर्स उसमें भी होंगे, मेरे तो लाइक दूर दूर तक नंबर नहीं था क्योंकि 6000 पहुंच गया था पॉइंट्स भाई उसके अंदर डार्ट वाले में। तो भाई इसके बाद हम अल्कट्राज मैप के अंदर सेल हाउस के एकदम छत पे भाग जाते हैं बंदों को मारने के लिए। ऑफकोर्स बाहर निकलते ही मैं देखता हूँ कोई है किधर किधर हो भाई, क्योंकि तुम नॉर्मली देखना कि सारे बंदे ना लैंड भी इधर ही होते हैं। देखो मेरे मुंह के सामने से लैंड हो गया बेटा, 100 ज़्यादा ले लो लैंड तमीज से हो जाए, यहाँ दो केड़े का नोबड़ो जैसे हरकत मत करो। तो भाई मैं यहाँ से देख रहा हूँ सेल हाउस के ना ऊपर से पहले तो पूरा मैप भी दिख जाता है अच्छा खासा, लाइक बंदे चारों तरफ बंदे, बस कूदम कादी करके बंदे मारने। जैसे मेरे को बंदा दिखता है मैं उसके ऊपर कूद जाता हूँ और फिर पेलम पाले शुरू है। अब कैप गैंग यहाँ पर होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट। अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई न्यू मैप और अभी इंटेंस फाइट के लाइक कर दो जरूर, सब्सक्राइब भी कर दो जरूर से। भाई साहब मैं मरते मरते क्या बचाओ इधर, ये हेल्थ मार लेता हूँ रे बाबा, ये दो बंदों ने मेरे को बहुत बड़ा लेफ्ट से बंदा आ गया, शिट गया मैं। बट कैप गैंग जैसे कि तुम्हें पता है
यहाँ पर तुम अगर मरते भी हो तो वापस इंस्टेंटली पैदा हो जाते हो, मैं एकदम से आसमान की हवाओं से उड़ते हुए उभरते हुए सितारे की तरह बूम बाम बूम आ गया मैं वापस अपनी मौत का बदला लेने में आ गया। मैंने कहा जिसने मेरे को मारा था उसकी पेटी बनाऊंगा। उठो गया तुम बुढ़ो, ये देखो कहाँ भागा हुआ स्पाइडरमैन चढ़ रखा है बेटा, रुक तेरे को वहीं आके मारूंगा। वैसे गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में बताना तुमको बैटल पास की स्किन्स कैसे लग रही है। मेरे को तो यार गन की स्किन स्पेशली तो लाइक बहुत पसंद आई, जो है ना SMG की स्किन्स हो गई तुम्हारी, AR की स्किन्स हो गई, एकदम मालम माल स्किन्स हैं। अब भाई मैं गया डायरेक्ट छत पे। अब ये बब्बा तो भाई भागने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जो मेरे को गन मिली इसके अंदर भाई 100 गोलियां होती हैं। अब तुमको पता चलेगा कैब गैंग 100 गोलियों की ताकत। मैंने नॉनस्टॉप यहाँ पर ना गोली जो मारने शुरू करी भाई 100 गोली तो रुकी नहीं भाई, नॉनस्टॉप मारता गया। मैंने कहा जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम, नहीं मेरे 8 किल हो गए, 27 बंदे जिंदा, लेकिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर कहाँ भाग रहा है, हैं कहाँ भाग रहा है, रिंगा रोजेस करा दूंगा तेरे साथ, रिंगा रोजेस सामने से। मेरे पीछे से मेरे को मार दिया यार, ये तो चीटिंग है। अबे दम है तो मुंह के सामने से लड़ना, रूट रहा है मेरे को बेटा, तेरी शक्ल मैंने याद कर लियो, तेरे कपड़े भी, अब तेरे को ढूंढ के मारूंगा मैप के अंदर। वापस से आ रहा हूँ नीचे। भाई देखो तुमको एक चीज़ बताऊँ तो, इसके अंदर ना जो एयर ड्रॉप होते हैं ना उसके अंदर जो लेजेंडरी वेपन्स मिलते हैं भाई गोल्डन वाले, गलत लेवल पे। उसके अंदर स्पेशली अगर तुमको AK-47 मिल गई फिर तो तुम नॉनस्टॉप ही मारोगे बंदों को, वो तो बहुत ही डेंजरस होती है। तो इस बंदे को तो भाई मैंने यहाँ पे मार दिया जल्दी से। इसका एक जो टीममेट था जिसने मेरे को पहले मारा था वो अभी इसके मुंह के सामने से नीचे कूदा, तो मैंने तो भाई इसको लूट लिया पहले मजे से, अपनी गन वन रीलोड करी एंड तैयार हो गया। मैंने कहा बेटा अब नहीं मरूंगा, नहीं अब तो बदला लिया जाएगा। वैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा अल्कैट्राज़ के बारे में बता देता हूँ कि तो अल्कैट्राज़ आइलैंड एक्चुअली में रियली में एग्जिस्ट करता, जो कि एक प्रिजनर्स को पकड़ के रखने के लिए जगह है, जहाँ पे मतलब बहुत सीरियस क्रिमिनल्स आ करके उनको वहाँ रखा जाता है, बड़ी डेंजरस जगह है, मजा अक्सर अट करके। एंड ये ब्लैक ऑप्स 4 के अंदर भी एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मैप है प्लेयर्स का। मैंने जल्दी से यहाँ पे हेल्थ मारी आराम से, उन्होंने लेट करके। मेरे देखो हरी आउटफिट है तो उसका शायद हल्का सा तो फायदा होना चाहिए, कि हरे में हरा दिखेगा कैसे बबुआ, हरे में हरा कैसे दिखेगा, यही तो खूबसूरती है। अब जोन छोटा हो रहा है तो जोन में जाना भी जरूरी है। अब मेरे पास एक स्मोक बॉम्ब टाइप राइट साइड में तुम दिख रहा होगा, इसको मैं फेंकूंगा तो भाई इतना बड़ा स्मोक बॉम्ब बनता है ना कटे भाई, सब गुम हो जाते हैं उसके अंदर, पूरा घर उस स्मोक के अंदर गायब हो जाता है। तुम देखोगे अभी थोड़ी देर में, ये क्लास भी मैं यूज़ करने वाला हूँ अब लड़ाई में यहाँ पर। अब मेरी ना गन पे गलती से आई गई, सब 2x स्कोप लग गया था तो मेरे को अब AKM पे 2x पसंद नहीं उतना, AK-47 पे। तो मैंने अपनी गन को फेंका भाई, रखो भाई स्कोप बगल में है, सामने बंदा दिख रहा है उसको गोली से मारूंगा मैं, रुको तुम मेरी ऐसी तैसी, तुम छुप के बैठे हो ना वहाँ, वहीं आ रहा हूँ बेटा, गेम तो मैं ही जीतूंगा याद रखना। तो ये धुएं का फायदा तो तुम लोगों ने अभी तक नोटिस कर ही लिया होगा कि भैया कितना फायदा है इस धुएं में है बे, कतई लाइक बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं सांस कहाँ से लें, पता ही नहीं चलता उन्हें। अब भाई हम तो TPP प्रोस्पेक्टिव के प्लेयर है भाई, हम FPP वादा नहीं खेलते, हमें TPP पसंद है। लेकिन मेरे यार यहाँ पर 3 बंदे मर जाते हैं और मैं अकेला जिंदा होता हूँ, उनको रिस्पॉन होने का टाइम मिल जाता है। लेकिन शायद से अभी आखिरी फ्लाइट पाथ थोड़ी देर में आने वाला है, मतलब कि अगर अभी हम मरे तो वापस स्पॉन नहीं हो पाएंगे। यार ये अजय बंदा तो भाई कितनी बार, तीसरी चौथी बार मर रहा है भाई मेरे से, लाइक कोई और इसे मार ही नहीं पा रहा है कि भाई मैं ही मार रहा हूँ इसे कब से। भाई भाई तुम भी मार लो भाई, थोड़ा बहुत है
अब मैं अपना पूरा का पूरा घर चेक कर रहा हूँ, मेरे को फीलिंग से आ रही थी मेरे घर के अंदर कोई छुपा हुआ कैंपर तो नहीं है बे। पता नहीं भाई ये जोन बाबा आ गए यहाँ पर, जोन बाबा के बाहर नहीं जा सकते, बहुत डैमेज दे दिया वो भाई साहब। क्या डैमेज दिया अभी इतने से में, गलत ही स्कैम है। ये बंदा तो पता नहीं यार अपने आप यहाँ पे खत्म हो जाता है कैसे यार, आई डोंट नो। अब मेरे को राइट से दिखता है कि एक बंदा ना भाग के ऊपर आ रहा है रिज पे, मेरे को लगा कि मेरे सामने आया। देख रहे हो भाई, मतलब ये क्या होता है ना, जहां पर ये फटता है उसके अंदर से 6-7 स्मोक बॉम्ब निकल के और गिरते हैं, तो लाइक इतना बड़ा स्मोक बनता है ना पूरा घर उसके अंदर समा जाए भाई। ए स्मोक का बाप है भाई। भाई मेरा तो रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ नोब्स हो गया कैप किंग, लेकिन अगर तुम्हें मजा आया है और तुम लोगों को ने अभी तक कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई आउट नहीं किया तो जरूर जाकर खेलो भाई। कॉल ऑफ ड्यूटी का न्यू मैप भी आया है और न्यू एनिवर्सरी मोड भी चल रहा है, बहुत सारे न्यू आउटफिट्स और गिफ्ट्स आने वाले हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर जाकर डाउनलोड करना कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। मिलूंगा कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन, ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।